तो सच में यार मैं खो गया हूँ, पता नहीं कौन सी गली से निकला था और कौन से गली में घुस गया हूँ। तो ये व्हाट इज टीम टीम विंग योर नेम विंग फार्म सू किंग इट्स अ किंग इंडिया। भाई ये लड़का इंडिया के बारे में नहीं जानता क्या यार। और इनके ये बच्चे हैं और ये इनकी वाइफ है, साथ में पतंग उड़ा रहे हैं। तो फाइनली यार रेडी वेडी हो गया हूँ और होके अब निकल रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, और सिंगल ही जा रहा हूँ। यहाँ एक लेक है, यहाँ का सबसे बड़ा लेक है, वहीं पे एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ओके थैंक यू। सो चलो यार एक्सप्लोर करके आते हैं साइकिल से। बहुत ही खूबसूरत जगह है जैसा कि आप देख रहे हो, लेक जाते समय यहाँ की खूबसूरती दिखी जाएगी। ये देखो यही लेक है यहाँ की, और लेक के पास आ भी गए हम, दो मिनट भी ना लगा। दिस इज़ अ बिग लेक भाई साहब, यहाँ ना शाम को मार्केट लगेगी। देखो अभी लगा रहे हैं, ये रही यहाँ की लेक। हेलो सिंचाओ, दिस इज अ बिग लेक इन होयान, न्यू लेक एंड अनदर बिग लेक। ओके या तो फाइनली यार देखो ऐसा है कि यहाँ पे पतंगे उड़ती है ना, यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो पतंगे होती है ना बड़ी बड़ी होती है। और रात को एक और माहौल बनता है कि ये पतंगों के अंदर ये लाइट लगाते हैं, तो इसीलिए इस जगह को बोलते हैं सिटी ऑफ लालटेन। तो मज़ा आएगा यार, चलो सर आगे तक चलते हैं साइकिलिंग करते हुए। ये देखो पूरा दुकान लगा रखा है इन्होंने अपने स्कूटी के ऊपर। पीछे देख रहे हो ना कितना ही खूबसूरत लग रहा है, एक रास्ता आ रहा है पीछे से, और चलो इस साइड में अभी जा रहा हूँ। मतलब ऐसा देखा जाए ना कि यार क्या ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो देखो ये बेसिकली एक टेंपल है, और टेंपल का नाम है चुआ वान डक। अभी जिस जगह पे आया हूँ इस जगह का नाम है चुआ वान डक, यानी एक बुद्धिज्म टेंपल है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ से लोगों से बात किया, मतलब चप्पल उतार के जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं 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 जा सकते वैसे ही, मतलब अपने लैंग्वेज में, क्योंकि बस इशारों ही इशारों से ज़्यादातर बातें हो रही है। और ये देखो सामने बुद्धा जी के स्टैचू है, अंदर अंदर चलते हैं। चलो चप्पल निकाल ही देते हैं यार, हमारी जो संस्कृति है ना मंदिर के अंदर चप्पल पहन के जाने की इजाज़त नहीं देती है, वो मंदिर कोई सा भी धर्म का हो। What's your name? Name is Nay. Nay. Yeah, nice to meet you, Nay. We are the Buddha Young Association. तो भाई साहब यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे लड़के आए हैं, ये सब स्कूल के बच्चे हैं सब, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चल रहा था या घुमाने लाए या कुछ करने लाए थे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ओके बाय कम ऑन बाय। तो यार देखो इस मंदिर में ना बच्चे आए थे जैसा कि दिखाया मैं, और यहीं के सामने जो सबसे एक और खूबसूरत जगह है ना जो यहाँ का ब्रिज है वहाँ पे अब जा रहे हैं। बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे, अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। बाय बाय। देखो ये जगह का नाम था और यहीं पे आया था मैं। हेलो सिंचाओ बाय। तो यार एक्सपीरियंस ना मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, बच्चे मिलते हैं मुझे तो मुझे अच्छा लगता है। चलो भाई पूरा गाँव में घूम रहा हूँ, रास्ते देख लो, थोड़ा सा रास्ता ऐसे ही है इधर। भाई यहाँ का लेफ्ट राइट जो है ना वो मेरे में अभी भी दिक्कत है। अब रास्ते देखो, मैं पुल पे अभी जा रहा हूँ, और रास्तों के साइड में इतना खूबसूरत बना हुआ है ना लोगों के चलने के लिए, बीच में ये खजूर का पेड़ लगा हुआ है, गजब का एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा समझो कि इस जगह से ना प्यार हो जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर आता है घूमने के लिए। और यहाँ से जो सामने दिख रहा है ये पुल है, यही पुल है जिसके बारे में बोल रहा था मैं, और यहाँ पे लड़के खजूर भी तोड़ रहे हैं। चलो मांग के देखते हैं देते हैं कि नहीं। हेलो, हेलो, माय नेम इज चंदन फ्रॉम इंडिया। यू नो इंडिया? यस। यू नो दैट इंडिया इट्स अ बिग कंट्री? इंडिया नो द कोलंबिया? इंडिया इंडिया। इंडोनेशिया? नो इंडोनेशिया, इट्स इंडिया। इंडिया अंडो
या इंडिया? इंडिया या इंडिया? भाई ये लड़का इंडिया के बारे में नहीं जानता क्या यार? इसका मतलब ये क्लास नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता। देखो एक खजूर का पेड़ है। यू यूट्यूबर या यूट्यूबर? यस। सो नाइस टू मीट यू। कैन ए वो कैन यूट्यूबर ला जाइए ना। कैन आई टेक वन पीस? कैन आई टेक वन? यस। चलो यार यहाँ का आपको खजूर टेस्ट करके बताते हैं, जो हमारे तो अब इंडिया में होता है सेम वही खजूर है। या सेम सेम टेस्ट एवरीवेयर इन ऑल्सो इन इंडिया। व्हाट इज कॉल इन व्हाट इज नेम? वो कहीं कहीं तो भाई लाजे टाइम वो नहीं लाजे सिंगन छाड़ा छाड़ा। इसका नाम है छाड़ा। हमारे तो खजूर इसका यहाँ पे छाड़ा। लेकिन यहाँ पे देखो खजूर तोड़ने का तरीका, इतना मेहनत। और देखो खजूर है भी कहाँ, रास्तों के साइड में। या दिस वन गुड। चलो ब्रिज आ गया है सामने है। ये रहा ब्रिज और ये रही अपनी प्यारी साइकिल। फाइनली जिस पुल के बात कर रहा था ना, उस पुल पे मैं आ चुका हूँ। ये वाला पुल है, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना, देखो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि खूबसूरत पुल है। नीचे इसके एक नदी निकल रही है, नदी बह रही है। हेलो बाय। सो ये खूबसूरत ब्रिज था, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। और देखो भाई वो पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ पे, किसी क्वीन को उड़ा रखा है। तो यहाँ पे ना पतंग जो उड़ाते हैं ना, वो छोटा छोटा नहीं उड़ाते, बहुत बड़े बड़े उड़ाते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे ना उसके पूंछ, देखो कितना बड़ा है। एक पतंग जो लड़का उड़ा रहा है ना, कोई लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है, फैमिली के साथ पतंग उड़ा रहा है। इसके दो बच्चे भी है उस साइड और उसकी वाइफ भी है साथ में। तो यहाँ पे लोग ना इन्जॉय करते हैं, इन्जॉय पतंग उड़ाने को इन्जॉय करते हैं। सो ये था बहुत ही खूबसूरत गांव जो हमने आपको दिखाया, कुछ कुछ जगह है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल तो राइट साइड चलते हैं, जो पतंग उड़ा रहा है उसके साइड। ए सिंचाओ। ये है कुछ खूबसूरती। या जस्ट मॉर्निंग आई कमिंग हियर। या मीन्स नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। सो व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस काइट? बिकॉज एवरी वन इज फॉर फन। जस्ट फॉर फन एज इट्स अ बिग काइट फ्रॉम इंडिया डिफरेंट बिकॉज इज अ टेल इज बिग। देखो यार मतलब कितना शानदार पतंग उड़ा रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं। भाई साहब देख रहे हो पतंग कितना बड़ा था, बहुत ही बड़ा पतंग था। और इसको देखो कैसे ही ये लपेट रहे हैं, चपेट रहे हैं, मतलब एक समझ लो कि छाता इन्होंने अम्ब्रेला तैयार कर दिया, इतना बड़ा ये पतंग था। और इनके ये बच्चे हैं और ये इनकी वाइफ है, साथ में पतंग उड़ा रहे हैं। Your child? Yeah. Wow. Your nice. Hello. Can I say hello, Doris? Hello, Sincha. Hello. Sorry, bye, mom. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Okay, bye, bye. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Bye. You wanna go to the beach now? No, no, I'm going to Old Town. With my friends. My family. You are going to? Achha, okay. Nice. Yo, enjoy. Yeah. Okay, nice to meet you. Bye. So finally यार यहाँ पे फैमिली से ही बात हो गई, यहाँ की जो लोकल फैमिली है। ये कभी इंडिया गए नहीं है, लेकिन इंडिया के बारे में मैंने इनको बताया कि आप इंडिया जा सकती हो। ये बता रही थी कि बस यहाँ के जो अमीर लोग हैं ना, वही मतलब अब्रोड जाते हैं घूमने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लोग जाते हैं यहाँ से घूमने के लिए। सो उस साइड चलते हैं, लोग जाते हैं यहाँ घूमने के लिए। सो फाइनली यार ये अपना टूर था, जो हम निकले थे हो ची मिन से और हम पहुँच चुके हैं होयान सिटी, जो एक एंशियंट विलेज है। एंशियंट विलेज के साथ साथ एक हेरिटेज विलेज भी है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ तक इंटरनेशनल सबसे ज्यादा यहाँ पे टूर्स आते हैं घूमने के लिए, जैसा कि हम है। ए हाय सिंचा, बाय बाय। भाई साहब मैं ना खो गया हूँ।
Hello, Sincha. You're YouTuber. Yeah. Yeah. Yeah, India. Wait. Subscribe. Can. Can I? Can you to play? Yeah. Oh, can you to play? तो सच में यार मैं खो गया हूँ, पता नहीं कौन से गली से निकला था और कौन से गली में घुस गया हूँ. तो ये what is Tim Tim? Wing. Your name? Yes. Wing. Farm to Wing. Farm to King. Yes. It's a king. तो ये रास्ता बता रही है मुझे किस साइड जाना था. वियतनाम. यस. लाइक दैट. पता नहीं क्या बोलना चाहती है लड़की, बोल नहीं रही है, बस हंसे जा रही है, हंसे जा रही. What is it? What is it like? हाँ. What is it like? ये. Làm khẩu gì? Không được. Vô Google vậy. Nhưng mà. Được cái hình mà. Được hình. Đâu đâu đây xem. Ok. À, để đi xa chung, đi chung xa nào chỉ đường cho. Okay. ओके लेट्स गो. भाई साहब तो ये मुझे पहुंचाने लेके जा रही है बच्ची. या तो ये दोनों लेके जा रही है मुझे क्योंकि मैं सच में खो गया हूँ. इतने छोटे छोटे मतलब गलियाँ है ना इधर. आया तो एकदम चलो 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 आया तो बहुत जल्दी से आया था कि मतलब निकलना जब मतलब रूम से निकला था बहुत ही जल्दी निकल के चला गया था. अब रूम मिल ही नहीं रहा मुझे कि रूम है कहाँ पे. सो चलो देखते हैं है कहाँ अपना रूम. ओ भाई साहब चलो चलो तेज थोड़ा चला लो. और यहाँ पे आप ना बाइक देखोगे ही नहीं, बस स्कूटी है, स्कूटी वो भी अलग अलग वैरायटी की स्कूटी है. यहाँ पे कोई छोटी है तो कोई बड़ी है. चल भाई थैंक यू आई फाउंड हिम. दिस इज माई फ्रेंड. यू ऑल्सो गोइंग टू विथ हिम. बाय. कम ऑन. बाय. आई लव यू टू. बाय.